कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के बाद पूरे देश में गुस्से की आग भड़की हुई है। मुख्य आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में सीबीआई ने रविवार यानी 25 अगस्त को संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 6 और लोगों का टेस्ट किया गया। इसके बाद सबके मन में बस यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पॉलीग्राफी टेस्ट में सीबीआई को क्या सुराग मिला। आपको बता दें कि इस पॉलीग्राफी टेस्ट के साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, जिसमें जो सामने आया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। टेस्ट में अपराधी संजय ने बताया कि वो घटना स्थल पर पहुंचा तो लेडी डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि आरोपी संजय रॉय का टेस्ट जेल के अंदर किया गया। ये भी आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई की पूछताछ में उसने कई सवालों के जवाब गलत दिए। सीबीआई के सूत्रों के हिसाब से संजय रॉय पूरे टेस्ट के प्रोसेस के दौरान काफी परेशान था। जब सीबीआई ने उससे केस से जुड़े सबूतों के बारे में पूछा तो उसने कई बहाने बनाए। उसने ये तक दावा कर दिया कि जब वो वहां पहुंचा तो पीड़िता की मौत हो चुकी थी। साथ ही आपको बता दें कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में संजय ने ये भी कहा कि उसने जब डॉक्टर को वहां मरा हुआ देखा तो वो काफी डर गया और वहां से दबे पांव भाग गया। साथ ही आपको बताते चले कि सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को हॉस्पिटल में 4:32 पर अंदर जाते देखा गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये पता चला कि पीड़िता की मौत 4:15 से लेकर 4:40 के बीच हुई। तो ये साफ होता है कि संजय रॉय उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर था और वो साफ तौर पर झूठ बोल रहा है। वहीं इस केस में पहले जांच कर रही कोलकाता पुलिस का ये भी कहना था कि आरोपी संजय रॉय ने रेप और मर्डर के आरोप को कबूल कर लिया था, जबकि अब संजय का सीबीआई के सामने दावा करना कि वो बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है, ये काफी अजीब है। चौंकाने वाली बात ये है कि जेल के अंदर संजय ने जेल के गार्ड से भी यही कहा कि उसे कोई रेप और मर्डर के बारे में नहीं पता, उसे फंसाया जा रहा है। अब इस केस में रोज नए नए सवाल उठ रहे हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किसने किया।